मिर्जा साहब की दावत पर मैं यहाँ क्रिसमस की तकरीब में केक काटने आया हूँ और बाकी भी यहाँ इनके तमाम पास्टर इरफान शरीफ साहब भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि क्रिसमस तकरीब में सादा मकार रखना चाहिए। जो कुछ फलस्तीनी मुसलमान निहत्ते मासूम बच्चों के साथ आज इसराइल की तरफ से जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। आज खुशी का त्यौहार है लेकिन हमें अपनी खुशियों में उन मासूम बच्चों को नहीं भूलना है। मैं समझता हूँ कि आज का ये त्यौहार दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तबलीग, जो उनकी हिदायात अगर उन पर अमल कर लिया जाता तो शायद फलस्तीनी मुसलमान भाइयों बच्चों के साथ ये दिन ना। इस त्यौहार के ज़रिए भी हम ये पैगाम दे सकते हैं कि इस त्यौहार का मकसद ही अमन, प्यार, भाईचारा और लोगों को जोड़ने का पैगाम, जो कि इनके तमाम चर्चेज से इसी चीज़ की तबलीग की जा रही है। और मोहब्बत के इस पैगाम को लेके हमें दुनिया में ये बताना है कि जुल्म, बर्बरियत और ताकत का इस्तेमाल ना तो किसी भी मज़हब में और ना तो कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त देता, लेकिन ताकत नज़र आ रही है, ताकत का ज़रूर नज़र आ रहा है कि दुनिया आज इस बात को कह रही है। बल्कि जो फ्रांस के वो आपके जिनका कल में पापा आज़म का स्टेटमेंट मैं कल टीवी पर देख रहा था कि उन्होंने भी फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ अपनी शफकत है, नुमायत है, उसका ऐलान किया। और उन्होंने भी ये कहा कि ताकत के इस्तेमाल से चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि मैं आज यहाँ आकर हमारी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं, इनके साथ सारे यकीनी करता हूँ। आप सभी को पता है और मास्टर अमजद साहब को पता है कि उन्होंने गवर्नर हाउस के अंदर तमाम कम्युनिटी के इनके बड़ों को और इनके लोगों को बुला के केक कटिंग सेरेमनी की और इजहार यकजहती किया। और मैं समझता हूँ कि आज भी हम सभी लोग इनके साथ इस त्यौहार में बराबर की शरीक हैं। और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि मेरी क्रिसमस आप लोगों को और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है और दुनिया में है सबको मेरी जानिब से मेरी क्रिसमस। और इसी दुआ के साथ कि इस दिन से भी हमें आगे मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम। आखिर में इससे पहले कि क्वेश्चन करें, मास्टर साहब दुआ करेंगे आपके लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत सिंध के लिए और स्पेशली गवर्नर साहब के लिए। आई एम दुआ मांगे मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिलो जान से दिल और उनकी गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ही हमारा परवरदिगार है, हमारा मालिक है। और हम क्रिसमस की सारी खुशियों के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि वो इस दुनिया में सारी नफरत कदूरतों को, दूरियों को ख़त्म कर। क्वेश्चन मेरा ये है कि आज भी मैं आपकी ज़रूरतों को, आपकी स्ट्रगल को, आपकी मसावात का जो जज्बा है उसको सलूट करता हूँ, लेकिन मसला फिर वहीं का वहीं है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको अगवा करके उसी तरीके से ही बस दौरे बाजू जो है मुसलमान बनाया जाता है।
और ये हर बंदे के नॉलेज में है, वो एक्सेप्ट करे उसको या ना करे, वो कार फेर ले वो अलग बात है, लेकिन ये एक हकीकत रोजे रोशन की तरह अजा है कि जो ज्यादा हमारे साथ हो रही है वो वही की वही, उसमें कोई भी जरा बार फर्क नहीं आया। वडेरे जगीरदार सारे उसी तरह ही बजोरे बाजू काम अपना कर रहे हैं, वो हुकूमत से भी मुझे जोरावर लगता है, क्या हुकूमत उसमें बेबस नजर आती है, क्या उनको भी लगाम डालना ही नहीं चाहती। पहले जो आपने बात की 5% कोटे की, जो ये मास्टर अफजल साहब यहाँ मौजूद हैं, हम एक खत लिख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी कि पहले तो ये कोटा 5% से 10% कर दिया, एक तो ये हमने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है। दूसरा जो आपने बात की, मैं इसी बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरा मजहब इस्लाम, जिसका मैं मानने वाला हूँ, सच्चा आशिक रसूल मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत का फरमान है, हदीसों में भी मौजूद है और मेरा खुदा भी मुझे इस बात की बात करता है कि हमने किसी को ज़बरदस्ती ना इस्लाम के अंदर लाना है और ना ही किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती का अकरा परवरी का सिलसिला है वो करना है। ये मेरा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं है। अगर कहीं ऐसे केसेस हैं जिसमें ज़बरदस्ती आपकी ख़वातीन को मुसलमान कराया जा रहा है और अगर आप समझते हैं कि वडेरे और जागीरदार इन कामों में मुलव्वस हैं, तो मैं यहाँ फिर ये ऐलान करता हूँ और तंबीह करता हूँ तमाम वडेरों और जागीरदारों को कि ये सिलसिला फिर बंद किया जाए, वरना उनका गिरेमान होगा और हमारे हाथों में कानून हरकत में आएगा। कोई कानून से बरीउल जिम्मा नहीं है, ना कानून से बड़ा है, इंसाफ मिलेगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं, तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी से मैं आज ये कह रहा हूँ, अगर किसी की बेटी बहन के साथ इस किस्म के वाक़े में कोई भी मुलव्वस हो, आप गवर्नर हाउस आए, मैं आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़े होंगे और आपको इंसाफ देंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि KFC में पेंशन पेमेंट मेथड नहीं तनख्वाहें तो बहुत बढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो पेंशन वाले लोग हैं वो तो रिटायर होने के बाद और ही गरीब हो जाते हैं और उनकी पेंशन जो है 5% इससे अप होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर रिटायरमेंट लोगों को जो उनकी ड्यूज हैं वो कब मिले? 2017 में मैं रिटायर हुई हूँ और मेरे से पहले भी लोग 14 में 15 में 16 में आज तक हमें हमारे ड्यूज नहीं मिले, क्या जब हम कब्र में जाएंगे उस वक्त मिलेगा? और बगैर लिए लोग मर गए हैं सर, उनके कब्रों पे पैसा हमारे पक्की कट गई। मेयर साहब हैं मुर्तजा साहब, बेचारे इतने बेबस हैं, गटरों के ढक्कन नहीं मिल रहे हैं। कहते हैं कि यार मैं क्यों क्या, लोग उनके ढक्कन चुरा के ले जा रहे हैं, उनके बेचारे ढक्कन नहीं ला पा रहे हैं। अब ये पेंशन वाली बात मैं शुरू करूँगा, पहले भी हमने की है, खत भी लिखूंगा और उनको पाबंद करूंगा कि ये मसाइल सर मेरे उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो रह गया। कौन सा वाला जो सेंट्रल जाती है सेंट्रल वर्कर की सफाई वालों की, तो वहां जो स्पेशल लिखा जाता है कि जी ओनली फॉर नॉन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारे भाई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, हम आपको अपना ताज बनाएंगे। थैंक यू।